आप सभी को मेरा राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं हो, ढेर सारी बधाई हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवरात्रि में हम 9 दिन देवी दुर्गा माता की पूजा अर्चना, उनकी उपासना करते, अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है। तो नवरात्रि में जो सबसे पहले दिन होता है वो माता शैलपुत्री देवी के नाम से जाना जाता है। हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हिमालय राज पर्वत पे जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनका जो वाहन है वो वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषरूणा के नाम से भी जाना जाता है। इनके जो दाएं हाथ में इन्होंने त्रिशूल धारण किया हुआ है, और जो आप इनके बाएं हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ये नवरात्रि का जो पहला दिन होता है, जो शैलपुत्री दुर्गा के नाम से जाना जाता है, उनकी पूजा हम करते हैं। इनको इनको कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे सती के नाम से भी जाना जाता है, माता पार्वती के नाम से भी जाना जाता है, हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे की क्या कहानी है, कब से जो है शैलपुत्री नाम इनका कैसे पड़ा, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पौड़ी कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजा, सभी को आमंत्रित किया सिवाय शंकर भगवान को। जैसे ही बात ये शंकर भगवान जी को पता चले, उन्होंने पार्वती जी से बताया कि आपके पिता एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, उन्होंने इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजा है सिवाय हम लोगों को, ऐसे में बिना बुलाए हुए वहां पे जाना उचित नहीं है। बट जो जैसे ही पार्वती जी को ये बात पता चली, वो वहां पे जाने के लिए उत्सुक होने लगी, बार बार जिद करने लगी कि नहीं हम वहां जाएंगे। तो बार बार अनुरोध करने के कारण शंकर भगवान को उनको अनुमति देनी पड़ी। तो माता पार्वती जी अपने मायके उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए गई। जैसे ही वहां पे वो पार्वती अपने मायके पहुंची, वहां पे यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए पहुंची, वहां पे जितने भी लोग थे उनसे कोई भी प्रेम पूर्वक बात नहीं कर रहा था, सभी लोग बुरे तरीके से उनसे व्यवहार कर रहे थे सिवाय उनके माता के। उनके माता बस थी जो उनसे स्नेह भाव से बात कर रही थी, बाकी सब जो है उपहास का भाव रख रहे थे। फिर चाहे वो उनका भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे फिर पिता हो, सभी लोग उनका भी उनके भी साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे थे, साथ ही साथ उनके पति का भी अपमान कर रहे थे। तो ये सब देख करके उन्हें बहुत दुख हुआ पार्वती जी को। तो वो अपने प्रति हुए कठोर व्यवहार और अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई, इसके लिए उन्होंने जो जहाँ पे जो यज्ञ हो रहा था उसमें ही खुद को उन्होंने भस्म कर लिया। जैसे ही ये बात भगवान शंकर जी को पता चली, शंकर जी ने गड़ों को भेज करके उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। तभी से बताया जाता है कि जो अगले जन्म में सती का जो जन्म हुआ वो हिमालय पर्वत शैलराज पर्वत के यहाँ हुआ, जो जन्म लिया उन्होंने पुत्री के रूप में जन्म लिया, तभी से उनका नाम जो शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। तभी से नवरात्रि में जो पहला दिन होता है वो माता दुर्गा जो होती है वो शैलपुत्री माता की ही पूजा अर्चना की जाती है। माता शैलपुत्री को हम जो है पार्वती के नाम से भी जानते हैं, सती के नाम से भी जाना जाता है, हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि जो शैलपुत्री जी को जो है सफेद रंग बहुत ज्यादा पसंद था, तो वो सफेद रंग के वस्त्र जो है पहनना बहुत अच्छा माना जाता है नवरात्रि के पहले दिन। उनको कमल का फूल बहुत पसंद था, सफेद कमल का फूल जो है हम अर्पित कर सकते हैं माता शैलपुत्री जी को। जैसे हम कोई भोग लगा रहे हैं तो हम सफेद बर्फी का भोग लगा सकते हैं। तो यही थी जो है कि शैलपुत्री जी का नाम कैसे पड़ा, हिमालय राज पर्वत के यहाँ उन्होंने जन्म लिया था, तभी से उनका नाम जो है शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करेंगे पूजा विधि की। पूजा विधि की बात करें कि सबसे पहले आपको सुबह सुबह स्नान करना चाहिए। स्नान करके आपके पास जो भी साफ सुथरे वस्त्र है उसको धारण करना चाहिए। अगर हम कैसे स्थापना करेंगे, अगर आपके पास छोटी सी चौकी है तो आप उस चौकी को रख करके उस पे लाल कपड़ा बिछा करके, क्योंकि लाल कपड़ा देवी जी को बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो लाल कपड़ा बिछाइए। उस पे जो है गंगा जल का छिड़काव करके वहां पे देवी माता की, दुर्गा माता की जो भी आपके पास प्रतिमा हो, विग्रह हो, उसको आप रख करके कलश की स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि सफेद फूल उनको बहुत पसंद है, तो आप सफेद फूल दुर्गा माता को अर्पित कर सकते हैं, माला फूल चढ़ाइए। उसके बाद जो आपके पास धूप बत्ती, आप देसी घी का जो है अखंड दीप भी आप जला सकते हैं। अखंड दीप जो भी 9 दिन जलाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती, बहुत अच्छा माना जाता है। तो देवी माता को आप भोग लगा सकते हैं फल फ्रूट का, सफेद बर्फी का, जिसकी सफेद सफेद चीजें उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है शैलपुत्री माता को। उसके बाद आपको दुर्गा माता का पाठ करना चाहिए, कथा पढ़नी चाहिए।
और जो है सभी आरती करनी चाहिए, प्रेम भाव से आरती करिए, अखंड दीप चलाइए, क्योंकि भगवान जो होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं। जितने अच्छे मन से आप पूजा पाठ करेंगे उतने ज्यादा आपकी मनोकामनाएं जो भी होगी भगवान आपकी जरूर पूरी करेंगे। जो भी आप प्रसाद चढ़ाइए, आप लोगों को जरूर प्रसाद वितरण करिए, तो इसी तरीके से आप पूजा पाठ कर सकते हैं। कुछ मंत्र का भी आप जाप कर लेना चाहिए, जैसे ओम देवी शैलपुत्रे नमः, उसके बाद एक एक मंत्र जो मुझे थोड़ा सा आता है, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्रे नमः नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमो नमः, ऐसे मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मंत्र हैं पर मुझे इतना ही पता है, मुझे ज्यादा मंत्र नहीं पता है। तो आप इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। अगर आप 9 दिन विधि विधान से माता दुर्गा माता की आराधना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, तो भगवान आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। तो चलो आप सबसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए वीडियो में। कल मैं दूसरी कथा ले आऊँ, दूसरे जो नवरात्रि का जो दूसरा दिन है उसकी भी कथा आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो आप सबसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे। आप सब खुश रहें, प्रसन्न रहें।